अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। गिद्दरबाहा अदन सब्जी मार्केट खुलने के पहले दिन ही थोक व परचून विक्रेताओं ने नियमों को तोड़ा। गिद्दरबाहा प्रशासन की ओर से वीरवार से लोगों को घरों तक सब्जियां पहुंचाने की खातिर लगाई गई रेहियां। जैसी ही शहर की कपास मंडी से बाहर निकली तो लोगों का हजूम उमड़ पड़ा। हालांकि प्रशासन की ओर से शहर में मोहल्लों अंदर घरों में रहते लोगों के लिए अलग अलग करीब 33 रेहड़िया व 9 के करीब टेम्पो लगाए गए थे। इसके साथ ही प्रशासन की ओर से कपास मंडी अंदर थोक विक्रेताओं को भी ज्यादा इकट्ठ नहीं करने के आदेश जारी किए थे, मगर वीरवार को पहले दिन ही थोक व परचून विक्रेताओं ने कर्फ्यू के नियमों को तोड़ मरोड़ कर रख दिया। जिसके बाद जब इस संबंधी मार्केट कमेटी के सचिव प्रतपाल सिंह गिल को पता लगा तो उनकी ओर से खुद कपास मंडी में छापामारी कर सब्जी खरीदने पहुँचे लोगों को वहाँ से खदेड़ा व सब्जी विक्रेताओं को आगे से इस तरह की शिकायत मिलने पर सख्त कार्यवाही करने की बात कही। सर अजय सब्जी खोली गई सी जी, पर फिर भी मतलब किस तरह का माहौल रहा जी? पहले दिन माहौल बहुत ठीक सी जी, सारा सिस्टम प्लानिंग करके बनाया गया सी। प्रोग्राम मेन बाजार जिहड़ा उहदे विच 33 रेहड़ियां का प्रबंध किया गया सी। जिहड़े आउटर खुले आ उहनां वास्ते 9 काउंटर लाए गए जी। हर एक तरह की कोशिश की गई सब्जी फ्रूट मिल जाए जिन्ना अवेलेबल सी, प्याज जरूरी चीज़ां खास करके वो सारियां कराइयां, और फ्रूट की भी कोशिश की जिन्ना कि मिल सके, और सारे वार्डां 'च भेजा गया और उन्होंने बकायदा पास बना के एसडीएम साहब खुद इतने आप उन्होंने विजिट किया, तहसीलदार साहब भी इतने ने, मैं सुबह तो इतने हैं, तो पूरे ध्यान नाल सिस्टम जिवें प्रशासन का हुक्म उस ढंग नाल चला रहे हैं। सर अपने एरिया वाइज रेहड़िया ड्यूटियां लगाई गई है? एरिया वाइज है जी, रेहड़ियां बकायदा उन्होंने उत्ते पर्म से लिखा भी तुम इन्ने नंबर वार्ड जाओगे, तुम इन्ने नंबर वार्ड जाओ, एरिया समझा के पहला प्लानिंग से नक्शा बना के उस ढंग नाल। सर देखने आया जी इस तरह एक तो रेडियो ने किसी ने डिस्प्ले रेट नहीं लगाई हुई जी? नहीं डिस्प्ले रेट सारी नहीं की जी, नहीं सर डिस्प्ले नहीं की हुई उन्होंने रेट लिस्ट ही एक वो मतलब एरिया दे विच वंडने दे बजाय वो रस्ते जी सारी सब्जी बेच रहे हैं जी। नहीं जी कितने हो सकता भी लोग क्योंकि साडे बंदियां नूं उन्ना हजे इस गल का पता नहीं भी ये खतरनाक किन्नी बीमारी, फोर्स भी लाई हुई है वो भी मगर मगर जा रही, रेहड़ी वालों कोई राह च तंग ना करे, तो जे कि होया तो दोबारा फिर उन्होंने फोर्स मगर जा रही पेट्रोलिंग लाई है भी कितने रेहड़ी वाले कोई रोके ना आपकी लोकेशन पर पहुंचे, तो कोशिश ये की जाऊगी भी कितने कोई ना आए। कई बार लोग ना घर निकल के मेरे बार चो लंघ मैं सब्जी हो गया कोई अजा हो गया तो असं मेरे ध्यान से लगा, और फिर असं उस टाइम तहसीलदार साहब ने प्रशासन उन्होंने हुक्म दिया SHO साहब ने किया भी तुम आपकी पेट्रोलिंग तेज कर नहीं होता जाए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें।